थैंक यू। लाड़ी के भरोसे तो नहीं। सबसे ज्यादा टेस्टी सब्जी हमारे पहाड़ों की कुमड़ी भाजी। दी का फोन आ गया है, बोलती इधर आजा कुछ काम है। और यहाँ देखो तो मेरे हस्बैंड ऐसी जगह में गाड़ी लगाते हैं ना, अब यहाँ से मुझे ये बैक करनी होगी उधर साइड को और फिर निकालनी होगी। मैं उनको बोलती हूँ कि पिछली साइड लगाया करूँ, पर क्या करें, चलिए निकालती हूँ। खुद भी मुश्किल से आ रही हूँ इधर को, नीचे गिरी तो सीधा ही नीचे। चलिए गाड़ी निकालते हैं, मौसम भी थोड़ा सा साफ है और देखते हैं एप्पल ही होंगे शायद, उन्होंने गोदाम वगैरह खाली करना है उधर साइड को, मेरे माई के साइड, तो उधर से एप्पल की बोरियाँ लेके आऊँगा। मेरे साथ संगीता भी जाएगी। इसी जगह है बराबर बराबर सी ना, मैं ऐसी जगह में गाड़ी लगाती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है, पर निकालनी तो पड़ेगी ही। अभी खुद अभी उधर है, उस साइड से भी उधर साइड को हस्बैंड का रश कुछ ऐसा है, आजकल सीजन का रश कुछ इस तरह का होता है। आगे कुछ फंस गया है क्योंकि वन वे है, आगे वाला ट्रक फंस गया है। क्या हो गया संगीता, क्या हो गया? अगर मान लो ये वाला भी कभी इस पे जाता है, ये पंप हाउस है तो ये भी सारा इस पे चला जाता, पर ये यहाँ पे ठीक नहीं है ना, सही तरीके से नहीं लगाया। और मैंने इनको भी पिक कर दिया है। कहाँ से लिया मैंने आपको? बुटी कैची से, मतलब कि वो जगह से नीचे से। अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। ये वाला रोड भी काफी डेंजरस है, पता नहीं क्यों बनाया है यहाँ पे, क्यों बनाया है ये? आपके विभाग का तो है ये, पता नहीं क्या सोच के बनाया है। IPH बोलते नीचे से भेजते, अच्छा किए तो ऊपर तो आ रहा है जो है नीचे से, क्या नीचे से तो है डेंजरस जैसा। अभी डिक्की में बहुत सारे सेब लेके जाएंगे, किलते किलते भर के, ताजे ताजे फ्रेश फ्रेश एप्पल। संगीता को अपना घर दिखा रही हूँ, चल फिर वापस संगीता मैडम। घर वापस आके मैंने कुछ सेब जो है अच्छे वाले सेब रख दी है पैक करके, कुछ सेब हल्के से दागी थे जैसे आते बारी गाड़ी में भी लगे थे ना, तो वो मैंने अच्छे से धो दिए थे, मतलब कि डेढ़ बोरी करके वो ऐसे थे। तो मैंने क्या किया, थोड़े थोड़े करके इस तरह से धोने हैं और सुखाने हैं, और उसके बाद इनका अच्छे से यूज़ करना है क्योंकि फेंकने नहीं है ये, इस तरह से इनको कट कर देना है। हमारे पहाड़ों में बनती है, हम तो बोई बोलते हैं ना इधर साइड को, कुछ जगह शरेटकी भी बोलते हैं, तो एप्पल की शरेटकियाँ जो होती हैं बाजार में बहुत महंगी बिकती हैं, मतलब कि आप 250-300 के किलो के हिसाब से बिकती हैं, और काफ़ी हेल्दी होती है खाने के लिए, सर्दियों में खाते हैं। और जो गोल्डन एप्पल रहता है उसका जो पौधा उगता है ना, पाल्टी बोलते हैं उसके लिए, तो उसके लिए बीज हम निकाल के रखते हैं। और यहाँ पे मैं छत में जैसे ही सुखाने गई, ये किचन है यहाँ पे, तो किचन पे हम पैर में जूते पहन के नहीं आते हैं ना, तो मैं बिना जूतों के चले गई थी और मेरे पैर बुरी तरह से जल गए, मतलब कि इतने जले कि इसमें वो वाटर वाले जो होते नहीं है पानी वाले जैसे, वैसे बन गए थे। चलिए कोई ना, अब यहाँ पे ये सूखते रहेंगे। और हमने यही नहीं सुखाने, हमने काफ़ी सारे काटने हैं। आप सोच लो 11 बजे से हम 3 बजे तक यही काम कर रहे थे, और काफ़ी सारी शडेटकियाँ बोयाँ हमारी हमने निकाल दी। और इसके लिए कमेंट भी थे कि कैसे बनाते हैं। देखिए अब ये गहरी धूप में 2-3 दिन सूखेंगे और बन के तैयार। ये देखो ये हमारे राजमा है जो तैयार हो गए हैं, अभी फूल भी आ रहे हैं और साथ साथ में राजमा तैयार भी हो रहे हैं। और वहाँ पे आपको खीरा भी दिख रहा होगा, वहाँ आगे जाके बेचारे खीरे अभी ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडा है, तो हम खीरे वगैरह भी ज़्यादा नहीं खा रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते क्योंकि 6 बज गए हैं, 8 बजे के लिए पूरा ब्रेकफास्ट तैयार चाहिए। रौनक के पापा ने भी जाना है और रौनक ने भी जाना है, तो चलिए कुमड़ियाँ निकालते हैं सबसे पहले। और रही बात तारीख की, क्या तारीख आज? 27 है, 27 है तारीख, और वेडनेसडे है ना, रौनक आज प्रेस वेडनेसडे और ऊपर गई हुई है। ये देखो यहाँ पे भी कुमड़ी है, मुझे बहुत सारी कुमड़ियाँ निकालनी है। और कहते हैं कि अगर हम इसको निकालते हैं तो कद्दू भी अच्छे फलते हैं, मोटे मोटे कद्दू होते हैं। आगे भी होगी कहीं कुमड़ी, वो भी है, मतलब कि आपका जहाँ पे गया होगा ना आगे आगे सिरा 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 ऊपर जाना पड़ेगा। बना ये पकड़ो तो मैं ऊपर जाती हूँ। ऊपर कहाँ से जाना तेरे, गिरी हुई नहीं। क्योंकि ये जगह जगह फैली हुई है ना, तो मुझे एक जगह थोड़ी ना मिलेगी।
सबसे ज्यादा टेस्टी सब्जी हमारे पहाड़ों की कुमड़ी भाजी। कुमड़ी तो यहाँ निकल गई सारी। इसके साथ ही बनाती हूँ, डैड ने बताया कि इस तरह से उसको छांटते हैं। सबसे पहले हमारी इस सब्जी में जाएगा सूखा धनिया, और उसके बाद सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट हमारा जाएगा इसमें हींग, और हींग के बाद हम इस पे डालेंगे जो कि हमारी पहाड़ी लोकल सब्जी में पड़ती ही पड़ती है लोकल लाल मिर्च। दो लाल मिर्च है, ये छोटी छोटी लगने वाली तेज है। और उसके बाद लहसुन काटी है, थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं ब्राउन होने देते हैं। ये रही हमारे सारे मसाले, और इसके बाद ये जाएगी अब इसमें लहसुन। हल्दी इसमें ऑप्शनल होती है, मैंने आलू किए कट तो आलू भी इसमें जाएंगे ही जाएंगे, तो हल्दी भी मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, इसी टाइम डाल दूंगी। खुशबू कैसी आ रही है? अच्छी आ रही है। और धनिये की खुशबू बहुत अच्छी आती है, और अगर तो ये वाला तड़का चूल्हे पे लगे ना बाहर तो ज्यादा मजा आता है। प्याज में थोड़ा इसमें कच्चा ही रहने देती हूँ, प्याज इसमें ऐसे ही अच्छा लगता है। चलिए सारी सब्जी इकट्ठी डालते हैं अब इसमें। पापा को थोड़ी जल्दी लग गई है तो हम चपाती बनाते हैं फटाफट, और फिर मैजिक कहने ठीक ठीक है। कहाँ गए? कहाँ है? लो लो लो, कद्दू की कोंपलों की सब्जी। ठीक है, सुबह में तो इतनी भाग दौड़ होती है ना, पर चलिए अब रौनक भी अभी तैयार होगा, अभी सारा कुछ करते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर मिलती हूँ सब काम होने के बाद। इतना पैसा खर्च किया है, चलिए किसी काम तो आया। केक के लिए जो मैंने ब्लेंडर मंगवाया था उससे मैं मक्खन बनाती हूँ, जो हमारी डेली की मलाई बचती है थोड़ी थोड़ी करके, और आपने बताया था कि बताना कैसे आप घी निकालते, तो बस इस तरह से 2-3 मिनट में ग्राइंड करते और मक्खन बन जाता है। उसके बाद सिंपल जैसे घी बनाते और ताज़ा घी हमारा घर पर बन के तैयार हो जाता है। हमारे घर आए मेहमान का महंगा जूता खा गया है, और खुद उधर साइड में शाम के बजे हैं अभी पूरे 6:30 और रात होने वाली है, अब रात जल्दी हो जाती है ना। हेलो, सच में अभी रात बहुत जल्दी हो जाती है, और मच्छरों ने दिमाग खराब करके रखा। और इसके पापा का फोन आ रहा है, वो ना उधर साइड को, जो उधर साइड है वो वाली साइड, उधर साइड से भी उधर साइड को है, और लेट हो गए हैं आज। बोल रहे हैं कि शाम के टाइम लेने आई हो, रात को रौनक आएगा तू आ जाऊंगा मम्मा को हेल्प करने। हेल्प नहीं मतलब मम्मा का हौसला बढ़ाने। हाँ हौसला इसीलिए क्योंकि उधर साइड को थोड़ा सा दिन को भी बोलते हैं, उधर को मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, वीरान जैसा है उधर को, तो देखते हैं अब। अभी तो वो काफ़ी लेट फोन करेंगे, तो हम अभी तैयार बैठे हैं इसलिए हमारी एडिटिंग भी नहीं हुई है। सच में अभी आज कुछ भी नहीं हुआ है, मम्मा ने बताया मुझे। तो चलिए फटाफट जाती हूँ और रौनक के पापा को लेके आती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो रौनक के पापा को बहुत सारा पैदल आना पड़ेगा, और फिर बोलेंगे आपकी वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं। आजकल वो एक ऑपोजिट साइड में गए हैं, उनकी ड्यूटी दूसरी जगह लगी हुई है, तो वहाँ से लेट हो गए आने में। चलिए मैं फटाफट लेके आती हूँ, फोन आ गया शायद पापा का। ठीक है फिर है ना, चलो मम्मा चलते हैं। बुट्टी कैंची तक चलना, जा रही हूँ, चलना चलो घूम दे। नहीं नहीं सगाई जब यार हम जा तो रहे हैं ना, मैं जितनी मर्जी हिम्मत कर लूं पर पता नहीं क्यों उस वाली साइड जाने में मुझे डर लगता है, और इसलिए मैं अपने साथ रौनक पहलवान को लेके आई हूँ। और रौनक पहलवान, मम्मा ये देखो यहाँ पर तो पेड़ भी बिना वो लीव्स के हैं, है ना, एकदम परफेक्ट हॉन्टिंग साइट है ये तो। तू ज्यादा डरा रहा है, तो पापा अभी कर रहे हैं ना अभी के लिए, हम तो रात को भी कभी कभार गए हैं, है ना मम्मा। हाँ, झाकड़ी में हम बहुत गए हैं जब पापा सुनी से आते थे, कई बार चंडीगढ़ से आते थे। हाँ, तब हम वहाँ पर पापा को है, पर डर के आगे जीत है। हाँ, डर के आगे जीत है, आज जैसे हमारा हाउस जीत गया मम्मा। हाँ, रौनक बड़ा खुश है आज, रौनक का हाँ, मेरा हाउस जीत गया दो बार। स्कूल में हाउसेस नहीं होते, हाउस स्कूल।
अभी हम जिस जगह पे है एग्जैक्टली लोकेशन पे, यहाँ पे बहुत साल पहले पूरी की पूरी बस मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, और उस बस में जो है इस वाली साइड लाशें ही लाशें थी। हेलो पापा। हेलो पापा, आपको इतनी डरावनी बात होने के बावजूद, पता होने के बावजूद भी आप ऐसे कैसे खड़े हो गए? कैसे कैसे? मतलब आपको पता है ना ये मोड़ कैसा है? ले लिया है, थैंक यू। लाड़ी के भरोसे तो नहीं, तो इस टाइम 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। 3 किलोमीटर मेरे को लगता है सब बहुत है। मेरे को लाइटें जल गई है सारे में, और यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं रहूंगी। हम सिर्फ मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा है। खोलो इसको, खुद अंदर बैठ गए। अब क्या मेरे को यही छोड़ के जा रहे हो? अंदर ही रखी है मैंने। अंदर रखी है, अंदर ही होगी। कैसे कर रहे हैं ना, मेरे को यही छोड़ के जा रहे हैं। वो इंसिडेंट कब हुआ था यहाँ पे वो बस वाला? वो तो यार वो 40-50 साल पहले की बात है। हाँ जी, पेट्रोल है जी हमारा 97.12, मतलब की 97 रुपए 12 पैसे 100 रुपीज बोल दो। हमारे नजदीक का सबसे नजदीक का होटल एप्पल क्रीज। थोड़ी सी लेट हो गए हम डिनर के लिए, है ना? मजेदार डिनर बना आज। दाल बनी हुई है, मूंग की दाल बनी है, साथ में सुबह की कद्दू की सब्जी, हरी मिर्च है। ये सब्जी बनी थी, लचो मजा आ गया खाने के। हैं मजा आ गया सबको बांट कर मैंने। हैं और उनको ऐसे कब शुरू हुआ यहाँ से? हाँ तो बस हम मैच कल पाकिस्तान इंडिया, कल तो हम मैच देखेंगे, मजा आएगा है ना? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सब लोग देखते हैं, सारे इंडियन सारे पाकिस्तानी। तो जी रात के बजे हैं, अभी 11 सोते हैं, और सोने से पहले वीडियो का एंड हो जाए आपको बता देते हैं कि एक्चुअल में वो एक्सीडेंट क्या था, क्योंकि रौनक को नींद नहीं आने वाली है। ये कब से हो रहा है? मैं को बताओ कि क्या था वो एक्सीडेंट, तो बताइए। अच्छा जी, मुझे इतना पता है कि मेरे मम्मी भी अरन बस इतना बोला था कि एक बार जब वो छोटे थे क्या, मेरे ख्याल से रौनक से थोड़े बड़े भी होंगे, या मुझे नहीं पता, पर आई थिंक 40-42 या इतनी 45 ईयर की पहले, मतलब कि 45 इतने ही साल हुई होगी। तो वहां पे उस टाइम हमारे विलेज के लिए इधर कोटगढ़ इलाके के लिए बस बोलते सिर्फ एक ही आती थी, वही बस, और पहले मैंने भी वो सवारी की हुई है। आपने की हुई है? ये सो गए हैं, इनको सोने देते हैं, ये देखो पीछे थके हुए हैं अभी। तो उस टाइम बस एक कम आती थी गाँव के लिए, हाँ एक ही बस थी, तो छत पे सवारियां करते थे। मैंने भी छत पे सवारी की, यहाँ टू माता के मंदिर जब हम जाते थे तो बसों में इतना रश होता था कि हम छत के ऊपर बैठते थे, तो वैसे ही उसमें भी बहुत ज्यादा रश था बोलते हैं। और अचानक से पता नहीं क्या हुआ होगा, वो वहां से मोड़ से नीचे चली गई उसे, और लाशें ऐसी बिखरी थी ना नौला बोल तोड़ नौला तक नीचे तक, मतलब की पूरी धरती पे लाशें ही लाशें थी। ड्राइवर उसमें ठीक था, जैसे ही उसने ऊपर आए वो खुद चल के रोड के लिए, रोड से जब उन्होंने नीचे देखा तो वहीं पे ही उनको बोलते अटैक आ गया था। होता ही है ना इतनी दबाई देख के, उन्होंने किस ध्यान से सुन रहा है, तो बोलते हैं कि उस टाइम से, ज्यादा मुझे पता नहीं है कि उस टाइम से वहाँ कुछ ना कुछ होता है, इवन की बहुत लोगों को हुआ भी है मेरे आसपास के। हाँ और तो कभी कुछ नहीं हुआ, पर वहां पे दिन दिहाड़े भी बहुत लोगों को, जैसे घास जाती हैं औरतें दिखता है उधर कुछ हर ज्यादा लोग थे, कोई भी नहीं। मेरी मम्मी बोलते हैं वो दौड़ के आए थे ऊपर से भुट्टीधार बोला धरती में दौड़ के, उन्होंने सोचा एक्सीडेंट हुआ, उनको बसे जैसे होते नहीं है बच्चे भाई पता नहीं क्या देखने को मिलेगा बोलते, वहां जब उन्होंने देखा तो वो मम्मी बोलते हम तो बोलते ऐसे थे कई दिनों तक। शिबू बोला हमारे शिबू अंत बोला हाँ मैं मतलब ऐसे भाई वो इतनी त्रासदी हुई थी वहां पे, इसीलिए थोड़ा सा उधर साइड जाने में डर लगता है। और वीडियो कभी कर देते अब यहीं पे ही, ऐसे तो होता ही है देखे किसी ना किसी जगह पे अगर ऐसा हो जाए तो बोलते हैं। अब ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है मेरे, तो तू क्यों खींचने लगा है मेरे इस तरह से ना, बाल इतने अच्छे रहते हैं वो फिट जैसे रहते हैं, थोड़ा भी नहीं लगता है। सुबह से बना के रखो शाम तक, पीछे से जूड़ा बनाओ कभी कुछ भी बनाओ ठीक रहता है। और चलिए ज्यादा सुनी सुनाई बात नहीं है, ये आंखों देखी बात है जो हमारे को अपने पेरेंट्स से पता चली है। और उस हमारे आसपास के इलाकों में उस बस में लोगों ने अपने खोए होंगे बहुत ज्यादा, उनके लिए भी सच में बुरा लगता है। चलिए वीडियो कभी कर देते अब यही एंड, नींद है सोना है चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप सबको भी गुड नाइट, लव यू ऑल। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देना है।